आसमान पर धधकता सूरज और झुलसती धरती पर गर्मी की आफत। पारा हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और करीब आधा भारत इस वक्त गर्म हवा के थपेड़ों से जूझ रहा है। दिल्ली में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट, सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा तापमान, आज भीषण लू से बचने की चेतावनी। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार 45 डिग्री से ज्यादा तापमान बना हुआ है। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजधानी के सभी मौसम केंद्रों में दिन में लू दर्ज की गई। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और कम बारिश के कारण दिल्ली में 1951 के बाद से इस साल दूसरा सबसे गर्म अप्रैल दर्ज किया था, जिसमें महीने का औसत अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था। महीने के आखिर में राजधानी के कई हिस्सों में पारा 40 और 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में लगातार आग लगने के हादसे भी बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली का जो तापमान है वो 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, लेकिन खास मई के 15 मई को यानी आज के दिन येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, यानी तापमान जो है वो 44 डिग्री के पार भी जो है वो पहुंच सकता है। इस वक्त हम मौजूद है राष्ट्रपति भवन के पास। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वीकेंड का दिन है और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। अमूमन आज वीकेंड के दिन राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट के आसपास जो है वो लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार राजधानी दिल्ली में उत्तर भारत में बना हुआ है, उसने लोगों के लिए एक नई परेशानी जो है वो खड़ी की है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक राजधानी दिल्ली और NCR में जो लू की थपेड़े हैं वो लगातार लोगों को परेशान करेंगी और तापमान 40 डिग्री के पास भी जो है वो पहुंच सकता है। गर्मी का यही हाल उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों का है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में भारी गर्मी पड़ रही है। इन राज्यों में कई शहरों में तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। तेज धूप के साथ लोगों के लिए उमस भी बड़ी परेशानी बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में 25 मई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गर्मी से पश्चिम भारत को 16 मई से मामूली राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ 15 मई तक पश्चिमी हिमालय के पास पहुंच जाएगा। इसकी वजह से 16 और 17 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी या हल्की बारिश हो सकती है। इस वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है और लू से राहत मिल सकती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।